बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो है गोश्त के बारे में। जैसे अब ईद आ रही है तो उस कुर्बानी का गोश्त होता है, तो उसमें अक्सर लोगों का कहना है कि स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, स्मेल ख़त्म नहीं होती, पकाने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, खून की होती है, गोश्त की किसी भी तरह की स्मेल होती है तो वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो उस स्मेल को ख़त्म कैसे किया जाए? तो मैं आपको आज कुछ टोटके बता रही हूँ, तो आप ये आज़माइए, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने एक काम करना है, आपने लेने हैं 3 से 4 चम्मच सिरके के, ठीक है, वाइट विनीगर जो होता है, आपने सिरका लेना है, तो उसको 1 गिलास पानी में मिक्स कर दें। उसमें आप गोश्त को डिप करके रख दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए आप गोश्त को उसमें छोड़ दें, तो आप देखेंगे उसमें स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप उसको वॉश करके अपने तरीके से बना लें। इसके अलावा तरीका नंबर 2 है, आपने लहसुन लेना है। लहसुन को आपने छिलकों समेत मोटा मोटा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है, छिलकों और छिलके नहीं उतारने, छिलके समेत कूट लेना है। आपने उसको गोश्त के ऊपर लगा देना है, 15 मिनट तक आपने उसको लगा रहने देना है, उसके बाद आपने उसको वॉश करके पका लेना है। तो इंशाल्लाह आपके गोश्त में से जो किसी भी तरह की स्मेल आ रही है या कोई भी मसला है तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और आप मज़ेदार अपना खाना बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी डिफरेंट और वीडियो देखना चाहती हैं इसी टॉपिक पर, तो प्लीज़ आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।